हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी महापाशा हियर। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर स्टाइल और क्या हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ, मुझे उतनी भी पता, बस माइंड में एक लुक है, उसी लुक को जो है क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। और इस लुक का जो ट्रांजिशन वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड की है वो जो कि मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। अब पता नहीं मैं वीडियो कब पोस्ट करूँगी, सो मे बी मैं तब तक पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर नहीं आपने देखी तो देख ले जाके, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर कर रही हूँ, सो डू चेक इट आउट एंड फॉलो मी देयर एंड यप। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट में जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। सो यप, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हूँ बालों का कलर जो है लॉरियल 7 कलर जो है, 7 नंबर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। और पहले बालों का कलर ब्लॉन्ड था तो उससे जो है ड्राई की तरफ आई हूँ, तो इस वजह से बाल थोड़े ब्लॉन्ड ज़्यादा लाइक लाइटर शेड लग रहा है, बट एक्चुअल में लॉरियल 7 इज़ नॉट अ लाइट शेड। ओके, सो आपको डिटेल भी बता दी। अब जी मैं अप्लाई करने लगी हूँ लॉरियल का मिथिक ऑयल एज ए सीरम, हेयर सीरम, ताकि बाल जो है हमारा डैमेज ना हो हीट से। अच्छे से अपनी जो ये टिप्स है ना इस पर अप्लाई कर लेती हूँ मैं बिफोर कर्लिंग यूजिंग एनी स्ट्रेटनर और हीट टूल। सो नेक्स्ट मैं मिंगटन का ये वॉन्ड यूज़ करने लगी हूँ जिसमें 220 हीट का टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई हीट देती हूँ मैं अपने बालों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो तो ये इस तरह का कुछ वॉन्ड है। ठीक है, अब बालों के करने हैं सेक्शंस और थोड़े थोड़े बाल लेकर करना है क्योंकि जो जिस तरह के मैं लुक चाह रही हूँ उसके लिए थोड़े थोड़े बाल जो है ना चाहिए हमें। चाहे इसके लिए कॉम मस्ट है क्योंकि कॉम जो है बालों को नीट करती है और नीट लुक आती है आपके हेयर स्टाइल की, सो कॉम सब सब करना है और बाहर की तरफ ही कर्ल्स करने हैं तरफ। टेन टू 15 सेकंड्स के लिए मैं इसको ऐसे रखूंगी एंड लीव इट देन। अच्छा जी, एक और चीज़ के इन बालों को जो कर्ल किया है ना उसको साथ साथ क्लिप से ऐसे कर लेना ताकि बाद में लास्ट में खोलेंगे हम, लास्ट में नहीं तो साथ साथ जब जहाँ मेरे क्लिप ख़त्म हो गए। कॉम मस्ट है, कॉम से आपके बालों में नीट लुक आएगी। कुछ मैं नीचे वाले बाल जो हैं कुछ मैं अंदर की तरफ कर्ल करूँगी, कुछ मैं आउटर करूँगी। ठीक है, ये अब इनर की तरफ करने लगी हूँ तो अंदर को आएंगे। वॉन्ड की जो इस तरीके से आपने इस साइड पर रखना है वॉन्ड, एक तो मिरर के सामने ना बहुत इजी हो जाता है, ऐसे कुछ नज़र ही नहीं आता है क्या बंदा कर रहा है। ये जो इस तरह वाले बाल आते हैं ना ऊपर वाले भी शामिल हो जाते हैं उसमें, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेने आपने। पहले मैंने पीछे से हाफ सेक्शन के बाल जो हैं कर्ल किए हैं, वॉन्ड से जो है इस तरह के कुछ कर्ल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थोड़े सेक्शन ज़्यादा लिया ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर बाल करते हो। दूसरी साइड पर जो मैं करूँगी कर्ल्स वो आप देखिएगा, मैंने वो कम सेक्शन लेकर करने हैं और वही एक्चुअल मुझे इस लुक के लिए कर्ल्स चाहिए काफ़ी बारीक वाले। ठीक है, क्योंकि वही थोड़े लूज और वेवी लगेंगे। जैसे देखिए अब मैंने एक साइड पे जो कर्ल किए हैं थोड़े से ज़्यादा बड़े सेक्शन लेके किए हैं, दूसरे सेक्शन छोटे छोटे लेकर किए हैं और अब उनको मैंने एक एक कर्ल को अलग अलग जो है ओपन करना है, और क्योंकि वो इकट्ठे एक साथ जो है वो जब इकट्ठे कर्ल हो जाते हैं ना वो एक ही कर्ल लगता है, तो वो उस तरह के कर्ल के लिए लुक नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा वॉल्यूम में चाहिए और मैसी लुक चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैं एक एक सिंगल सिंगल कर्ल को फिंगर से ट्विस्ट देकर जो है सेपरेट कर रही हूँ। कर्ल स्टेन करते हैं ना वो इसी तरह किया करेंगे कर्ल करके, उसको गर्म गर्म को ही ना क्लिप लगा दिया थोड़ी देर के लिए, तो उससे जो है जब वो ठंडा हो जाता है ना फिर उसे आप ओपन करते हो तो वो कर्ल काफ़ी देर तक स्टे करता है और बहुत अच्छा कर्ल जो है वो रहता है।
तो ये है क्लाजमी, अब ट्राई करिएगा। अब आप देखें कि मैं एक एक कर्ल को फिंगर से ही ट्विस्ट ट्विस्ट करके जो है ना जिस साइड का कर्ल है लाइक आउटर कर्ल है तो उसको आउटर ट्विस्ट दे रही हूँ, और अगर इनर कर्ल है तो इनर ट्विस्ट दे रही हूँ बहुत लाइट हैंड से। अरे बालों को ना कर्ल्स को मैं ऐसे ही कर लूँगी, ओपन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े कम सेक्शंस लेके किया, छोटे छोटे सेक्शंस, तब भी यहाँ पे कर्ल्स आपको ना ज़्यादा बारीक लग रही हैं, फिर नीचे ही आ जाने, इसलिए मैंने डिफरेंट कर दिए हैं। अब ऊपर मैं एक जैसे करूँगी, देखिए जो छोटे छोटे कर्ल्स आते हैं कम सेक्शन लेके करते हैं ना वो कर्ल की खूबसूरती अलग होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है बट बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कर्ल लगते हैं जो छोटे छोटे बारीक के नीचे। मैंने थोड़ी मैसी मैसी सी लुक रखनी है, इस लुक के साथ तो जो जैसे कर्ल आएगा ना उस साइड पे फेंकती जाऊँगी मैं, जैसे भी है कोई बहुत ज़्यादा शादी वाला टाइप वाला हेयर स्टाइल में भी ना हो बट कर्ल इस तरह करके आप उसको किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले बाल जो फ्रंट वाले बाल हैं ना इनको भी सेक्शंस में हमने डिवाइड कर लेना ताकि इजीली कर्ल हो सके। पीछे वाले बालों को सेम वैसे जैसे मैं पहले कर्ल कर रही थी वैसे थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हमने कर्ल कर लेना। ठीक है, लेकिन फ्रंट वाले बाल थोड़े से डिफरेंट लुक चाहिए मुझे, उसके लिए थोड़े से मुझे ना वेवी लूज वेवी कर्ल चाहिए, तो वो मैं बॉन्ड से कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पहले पीछे वाले बाल जो हैं फटाफट से इनको कर्ल कर लेते हैं, फिर फ्रंट से सेक्शन जो है थोड़े थोड़ा फ्रंट जो वेवी अगर बाल चाहिए ना आपको वॉन्ड से, वैसे तो इसके लिए सेपरेट टूल होता है उससे आपके बहुत अच्छे वेवी बाल हो जाते हैं, लेकिन इससे करने के लिए ये है कि आपने बारीक से बारीक सेक्शन लेना है, लाइक बहुत बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आप गौर करिएगा कि मैं कैसे करती हूँ ये। अभी मैंने फर्स्ट पे आउटर कर्ल किया लेकिन फ्रंट पे जो मुझे चाहिए उसमें सब जो है हमने इनर कर्ल करना है, इनर की तरफ जो है वॉन्ड यूज़ करना है लाइक दिस। अब सेक्शन कर लिया मैंने, देखें बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं ले रही, बहुत बारीक सेक्शन भी नहीं है, बहुत दरमियाना सा सेक्शन है। ठीक है, ये देखें इतना सेक्शन लिया, ये वॉन्ड रखा नीचे को और ऊपर की तरफ से लाएं लाइक ये अंदर की तरफ कर लाएगा आप देखें तो। ठीक है, और बहुत टाइटली नहीं मैंने पकड़ा हुआ, बहुत टाइट कर नहीं करना हमने वरना वो बिल्कुल ही सूंडी वाली हालत हो जाएगी तो बहुत लूज सा जो है हमने करना है। और फिर उसको ओपन करके नीचे से जो इसकी टिप है ना इन बालों की इन कर्ल की इसको थोड़ा सा ना नीचे की तरफ खींच देना है, थोड़ा सा वो लूज़ हो जाएगा। और फ्रंट से भी मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ मज़ीद। ठीक है, बस आप देख ही जाएँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब जो फ्रंट वाले जितने बाल आ रहे हैं ना इन सबको हमने इनर की तरफ जो है कर्ल करना है वॉन्ड से। ठीक है, और फ्रंट एक दो दफ़ा मैं इसे प्रेस कर देती हूँ ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा जो है वो कूल डाउन हो जाए और वो ज़्यादा देर तक स्टे करें हमारा हेयर स्टाइल। ठीक है, आप देखें मैं थोड़ा थोड़ा हाथों से उसको लूज़ कर रही हूँ ताकि वो वेव जो है वो थोड़ा दे, देखें अब ये बिल्कुल कर्ल की कर्ल जो है बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे कर्ल की शेप होती है, थोड़ा सा ना वेव में आ रहा है। और फिंगर से अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको जो है हमने ढीला करते जाना है, लूज़ करते जाना है। थोड़ा सा वेवी इसको करने के लिए ना थोड़ा सा नीचे से अपने खोलना इसको, लंबे बाल हो तो और ज़्यादा हसीन लगे, ठीक है ऐसे वेव आने लगे। इस साइड के बाल जो हैं वो कर्ल करते हैं, इधर से एक सेक्शन ले लेना, इन बालों को पहले करते हैं इन बालों को करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी जब कर्ल करना है ना हमें सेंटर पार्टीशन का सोच के कर्ल नहीं करना, बस कर्ल जो जिस तरह जिस साइड पे भी जाता है उस तरफ कर्ल कर देना है, क्योंकि मोस्टली मेरे माइंड में लुक है कि थोड़े से बाल फेस पे गिरने चाहिए, इस तरह की लुक होनी चाहिए कि कर्ल्स इस तरह हो के फेस के ऊपर की तरफ बाल आएँ। ठीक है, फेस के ऊपर बाल आएँ, तो अब जिस तरह भी हाथ में बाल आ रहे हैं बस उसी तरह मैं कर्ल करती जा रही हूँ। ठीक है, और बिल्कुल जैसे दूसरी साइड पर मैंने कर्ल किए थे फ्रंट से बिल्कुल वैसे ही थोड़े थोड़े सेक्शन ले कर्ल कर रही हूँ, इनर कर्ल कर रही हूँ, थोड़े से वेवी हो जाएंगे इससे। ठीक है, अब देखें अब ये थोड़ा सा मैं इसको लूज़ करूँगी तो इतना अच्छा वेव बन जाएगा, और ये फ्रंट पे इस तरह के इनर कर्ल बहुत प्यारे भी लगते हैं। हेयर स्टाइलिंग में ना कर्ल्स तो जैसे आप इन टूल्स वगैरह से डाल लेती हो लेकिन उसके बाद सारी सेटिंग का कमाल होता है, और हाथ
हाथों का कमाल होता है कि आप कितनी सफाई से जो है कर रहे हो। लाइक फिंगर से आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह ट्विस्ट ट्विस्ट देके उनको मज़ीद नीट कर रही हूँ और कर्ल्स को सेपरेट कर रही हूँ। तो उसी तरह जो है आपने भी करना है, तो आपके भी कर्ल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जिस जो मेथड मैंने आपको बताया, इस तरह अगर आप कर्ल करेंगे तो आपके काफ़ी देर तक स्टे भी करेंगे कर्ल। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम इस तरह का थोड़ा बहुत ज़्यादा कह लो कि वॉल्यूम वाले कर्ल्स करें, आप ज़्यादा सेक्शन लेके भी कर्ल्स कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे हेयर स्टाइल जो आपका बन जाएगा। फाइनल लुक देखिएगा, आई होप आपको फाइनल लुक अच्छी लगेगी। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में ना प्रो नहीं होता है, सब प्रैक्टिस से ही आता है, और मुझे भी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आई हैं, और हेयर स्टाइलिंग भी जितनी भी आती है, फिर भी अपना हेयर स्टाइल बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। अब आप देखें फ्रंट पे जो रह गए हैं बाल, उनको मैं किस तरह कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हल्की हल्की उसमें मैं बैक कॉमिंग दे रही हूँ। बैक कॉमिंग करके टेल कॉम कहते हैं इसको, उसमें फिर कर्ल कर रही हूँ। किसी कुछ मैं आउटर करूँगी, कुछ मैं इनर करूँगी, बिल्कुल बैक साइड वाले, लेकिन फ्रंट वाले सारे बालों को हमने इनर कर्ल करना है। फिर मैं आपको सेंटर से भी पार्टीशन करके दिखाऊंगी कि ये लुक कैसी लगती है, और फिर साइड पार्टीशन के साथ भी दिखाऊंगी। वैसे मुझे ज़्यादा साइड पार्टीशन के साथ अच्छी लगी, लाइक उसमें बाल मिक्स हो जाते हैं, थोड़ा फेस पे ज़्यादा आते हैं, और मेरी लुक के हिसाब से और मेरी ट्रांजिशन वीडियो के लिए परफेक्ट थे वो बाल। अब देखें कर्ल सारे हो गए हैं, लेकिन जब तक आप इनको सेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनको सेट करने के लिए देखें, मैं थोड़े थोड़े फ्लिक्स जो मुझे फेस पे चाहिए हैं वो सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। कर्ल्स जो है ना उनको ओपन कर देना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो जो पागलों की तरह हाथ डाल डाल के कर्ल सारे खोलते हैं, हमने वैसे नहीं खोने, एक एक कर्ल को अलग अलग जो है फिंगर से ट्विस्ट देते हुए हमने ओपन करना है। और एक लुक ये ऐसे सेंटर पार्टीशन के साथ हो गया, अब मैं आपको साइड पार्टीशन के साथ दिखा रही हूँ। ये देखें, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं साइड पार्टीशन के साथ, थोड़ा मुझे वैसी लुक से चाहिए थी, वैसे लग भी रही है। तो थोड़े से जो साइड से जो है हेयर उठा के मैंने दूसरी साइड पे कर दिया। सो दिस इज द फाइनल लुक। जो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है कि आपको लुक कैसी लगी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, हटके है, अभी भी बहुत से लोगों को ना अच्छी लगे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर भी मुझे अप्रिशिएट कर देना क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगाया है, काफ़ी मेहनत की है मैंने, तो इसलिए मुझे लाजमी अप्रिशिएट कीजिएगा। वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल अपने रखिएगा, बाय, टेक केयर। मेरी लिपस्टिक शिट है।